क्वेश्चन नंबर इलेवन है हमारे पास इस समय एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन से अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व और ये कर्व है जिसके अलोंग पार्टिकल मूव करता है फाइन द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच वाई कॉर्डिनेट इज चेंजिंग ए टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कॉर्डिनेट तो यहां पर हमें फाइंड क्या करना है और गिवन क्या है देखो तो फाइंड हमें करना है द पॉइंट यानी एक्स वाई ये हमें फाइंड करना है कि पॉइंट क्या है यानी ये कर्व है मान लो और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे ये कंडीशन हो रही है यानी वाई कोऑर्डिनेट एट टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो ये पॉइंट पे हमें एक्स वाई फाइंड करना है और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट यानी डी वाई अपॉन डी टी ये कितना है एट टाइम्स डी एक्स अपॉन डी टी ये लाइन यही कहती है वाई कॉर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कॉर्डिनेट एक्स कॉर्डिनेट चेंज होना डी एक्स अपॉन डी टी वाई कॉर्डिनेट डी वाई अपॉन डी टी तो इस तरह से है और ये गिवन है अब अब हम आगे करेंगे तो देखो हमारे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए फॉर्मूला होना चाहिए तो क्वेश्चन में उन्होंने इक्वेशन दे रखी है सिक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस टू है ना आई मीन टू से इक्वेशन हो जिसको डिफरेंशिएट करके हम आगे बात बढ़ाएं तो यहाँ पे इसको डिफरेंशियट करेंगे देखो y का डिफरेंशिएशन होता तो वन है लेकिन साथ में dy वाई अपॉन डी लगा देंगे हम dy वाई अपॉन ठीक है तो वन मैंने नहीं लिखा है एक्स क्यूब का होता है थ्री एक्स स्क्वायर लेकिन साथ में लगेगा क्या dx एक्स अपॉन और टू का ज़ीरो हो जाएगा आप चाहो तो लिखो और नहीं लिखना चाहो इट्स ओके okay. अब वैल्यूज हम यहां पे पुट करेंगे तो क्या क्या गिवन है यहां पे देखो यहां पे हमारे पास डी वाई अपीटी ये ये गिवन है तो डी वाई पॉन डी टी की जगह पे क्या लिखना है एट टाइम्स डी एक्स अपॉन डी टी और ये होगा थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी ओके और अब ये होगा कैंसिल और ये थ्री टूजा यहाँ तक ठीक है और अब हमें मिलेगा क्या यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एट इंटू टू आठ दो सोलह तो एक्स क्या आ जाएगा ध्यान रखना प्लस माइनस फोर आएगा तो हम प्लस माइनस फोर लिखो या फोर कॉमा माइनस फोर खैर वो अभी हम निकालेंगे तो अब देखो यहाँ पे इसको हटा देते हैं तो पहले तो हम लेंगे x क्योंकि y भी निकाल रहे हैं ना अभी तो केवल x निकला है जब x फोर है तो y कैसे निकलेगा y इस इक्वेशन से निकलेगा जो क्वेश्चन में किवन है तो सिक्स वाई इक्वल्स टू देखो सिक्स वाई है एक्स क्यू प्लस टू हमें क्या करना है x की जगह पे फोर रखना है जो कि हमने अभी निकाला है और ये हो जाएगा फोर का क्यूब सिक्सटी फोर होता है सिक्स वाई हो जाएगा अपना सिक्सटी सिक्स और वाई आ जाएगा 11 तो एक पॉइंट आ चुका है फोर कॉमा ओके और जब x है माइनस फोर तो क्या होगा तो सिक्स वाई इक्वल्स टू माइनस फोर क्यूब प्लस टू यानी माइनस सिक्सटी फोर प्लस टू माइनस सिक्सटी टू है ना यहाँ पे सिक्स वाई सिक्स वाई और वाई आ जाएगा माइनस सिक्सटी टू अपॉन सिक्स यानी माइनस थर्टी वन अपॉन थ्री टू से ऊपर नीचे काट दिया है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा माइनस फोर कॉमा माइनस थर्टी वन अपॉन थ्री ओके सो फाइनली हमारा स्टेटमेंट होगा द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर फोर कामा इलेवन एंड माइनस फोर कॉमा माइनस थर्टी वन अपॉन थ्री ओके तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन से द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड रेडियस इंक्रीज हो रहा है इस रेट से ओके फाइन एट वट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग वेन रेडियस इज दिस सिंपल क्वेश्चन है पहले भी हमने इस तरह से क्वेश्चन किए हैं तो सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट आर बी द रेडियस एंड वी बी दॉल्यूम ऑफ द बबल ओके अब गिवन क्या है क्वेश्चन में रेडियस का रेट ऑफ चेंज तो डी आर अपॉन डी टी गिवन है और वो है हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड एट वट रेट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग तो हमें डी वी अपऑन डी टी फाइंड करना है और रेडियस क्वेश्चन में गिवन है वन सेंटीमीटर तो अभी तक सब समझ आ रहा है एवरीथिंग ओके okay. अब कैसे करेंगे तो हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे हम स्वेयर का वॉल्यूम क्या होता है फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब ठीक अब इसे हम करेंगे डिफरेंशिएट तो v को डिफरेंशिएट करेंगे dv वी अपॉन डी आएगा जो कि हमें फाइंड करना है फोर फोर अपॉन थ्री पाई कॉन्स्टेंट है एज इट इज आएगा थ्री आर स्क्वायर आर क्यूब का डिफ्रेंशिएसन हमने किया है और साथ में हम लगाएंगे डी आर अपॉन डी टी ओके तो अब सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पर uh, सबसे पहले थ्री से थ्री कैंसिल हुआ या आ जाएगा फोर पाई टाइम्स आर आर है यहाँ पे वन सेंटीमीटर तो वन का स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी है हाफ तो ये तो कट ही जाएगा ये टू आएगा और ये आ चुका है टू पाई और यूनिट क्या लिखेंगे हम वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब अपॉन अब टाइम इसमें सेकंड में है तो ये है हमारा फाइनल आंसर ठीक है ऑल राइट right.